बिल्कुल, इसमें इंसानी स्मगलिंग नज़र आ रही है, और ये आज से नहीं, बहुत सारे पहले काफ़ी अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ग्रोह इस तरह के सरगर्म हैं जो माइनर लड़कियों को बहला फुसला के फंसाते हैं और फिर दूसरे सूबों में ले जाके उनके साथ जो है वो निकाह करके उनको ट्रैप कर लेते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी के भी केसेज हैं जिसमें वो लड़की फिर वापस निकल भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो इनका तो खैर माइनॉरिटी का भी इशू है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों के साथ भी इस तरह किया जाता है, और फिर वो लड़की वापस भी नहीं आ सकती अपनी फैमिली में, क्योंकि उनके साथ जो है वो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि आपने एक दफ़ा मज़हब कन्वर्ट कर लिया तो वापस आप अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा इशू है और ये पाकिस्तान में हो रहा है, और इसको क्रिमिनल जो है वो लोग माइनर लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं, और उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे पास भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो हम मीडिया पर नहीं ला सकते, लड़कियाँ नहीं आना चाहती, और इसका इसको देखना होगा, इस इशू को देखना होगा। और ये माइनर है, माइनर को बगैर किसी पेरेंट के या गार्डियन की इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं ले जा सकता, और ख़ासकर लड़की है।